नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो के सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर कौन होंगे? ओके, हु विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन द टीचिंग प्रोसेस। तो देखिए, टीचिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होते हैं, एक होता है टीचर और दूसरा होता है स्टूडेंट। ओके, इन्हीं दोनों के बीच में आपके टीचिंग प्रोसेस चलती है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षक और छात्र में कौन स्वतंत्र चर है, कौन आश्रित चर है। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कि स्वतंत्र चर टीचर है और आश्रित चर स्टूडेंट है, पहला ऑप्शन। सेकेंड है आपका स्वतंत्र चर छात्र है और आश्रित चर टीचर है। थर्ड है आपका कि टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधि स्वतंत्र है और छात्र जो है आश्रित है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ऊपर के सभी ऑप्शन सही हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम तीन चीज़ों पे बात करेंगे। ओके, देखिए मेन रूप से जो वेरिएबल हैं, थ्री टाइप के होते हैं। पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर। सेकेंड होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर। थर्ड होता है आपका एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, ओके, यानी कि वरिहंग चर। ओके, इसको वरिहंग चर के नाम से जानते हैं और इसको कंट्रोल वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो अलग अलग नामों से हम एक्स्ट्रानियस वेरिएबल को जानते हैं। तो देखिए, इनका काम क्या है, अगर आपको नहीं पता तो हम थोड़ा सा आपको बता दें कि देखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी पे अपना प्रभाव छोड़े। ओके, यानी कि कोई भी ऐसा चीज़ जो प्रभाव छोड़ता है, ओके, जिसमें जोड़ तोड़ संभव हो, जिसको घटा बढ़ा सकें, वो होता है स्वतंत्र चर। और वह होता है आश्रित चर जिस पे हम किसी भी चीज़ के प्रभाव को मेजर कर सकें, माप सकें, वो होता है आपका आश्रित चर। और थर्ड आपका एक्स्ट्रानियस या वरिहंग चर जिसको बोलते हैं, ये आपका वेरिएबल या चर ऐसा होता है जो क्या करता है, प्रभाव छोड़ता है किस पे, जब आप रिसर्च कर रहे हैं, जब आप किसी टीचिंग मेथड का प्रभाव देखना चाहते हैं स्टूडेंट पे। ओके, टीचर के टीचिंग मेथड का प्रभाव देखना चाहते हैं स्टूडेंट पे कि क्या यह टीचिंग मेथड सही है या नहीं, तो उसमें जोड़ तोड़ करके हम छात्रों को पढ़ाते हैं और उसके प्रभाव को मेजर करते हैं। अगर बच्चों को समझ में आ गया तो यानी कि वेरिएबल सही काम कर रहा है, और अगर वह सही नहीं है तो वेरिएबल सही काम नहीं कर रहा है, उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इसी दौरान जब कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता है जिससे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे स्वतंत्र चर का प्रभाव न पड़ के एक्स्ट्रानियस वेरिएबल का प्रभाव, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल का मतलब कोई भी शोर हो गया, ओके, या कोई बच्चे के अंदर कोई ऐसा बीमारी हो गया जैसे बुखार इत्यादि कोई चीज़ें हो गई, या कोई लाइट ऐसा क्लास में हो रहा हो जिससे बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा हो, ये होते हैं एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। जब आप इसको नहीं नापना चाहते हैं, बच्चों के ऊपर ये प्रभाव नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मेथड का यूज कर रहे हैं और सीधे सीधे उस मेथड को ही आप मापना चाहते हैं, तो क्या होता है, इसीलिए एक्स्ट्रानियस वेरिएबल को हम कंट्रोल वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव को छात्रों पे हम नहीं पड़ना देना चाहते हैं ताकि हमारा जो रिसर्च चल रहा है वो बेहतर तरीके से निकल के आए और हम प्रभाव को नाप सकें। तो देखिए, आपका जो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल होता है, वरिहंग चर होते हैं, कंट्रोल जो आपके चर होते हैं, वो भी एक स्वतंत्र चर के रूप में भी आते हैं, क्योंकि ये भी प्रभाव छोड़ते हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि जो प्रभाव छोड़ता है वो स्वतंत्र होता है, तो एक्स्ट्रानियस वेरिएबल भी स्वतंत्र चर के अंतर्गत आता है, लेकिन हम इसकी माप नहीं लेना चाहते हैं अपने रिसर्च में, इसीलिए हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये तीन प्रकार के आपके वेरिएबल हो गए। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम जब डिस्कस कर रहे थे उसी में आंसर इसका दे दिए। देखिए, टीचर नहीं, डीपली जाएंगे तो टीचिंग
का मेथड जो होता है, टीचर के टीचिंग का जो मेथड होता है वही होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर। टीचिंग के मेथड में हम बदलाव करके छात्रों के ऊपर प्रभाव को हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप स्वतंत्र चर टीचर को कहे तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन बेहतर है, टीचिंग मेथड। जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, ये आपका ऑप्शन सही हो गया, यानी कि स्टूडेंट हो गए आश्रित चर जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और टीचिंग मेथड हो गया आपका स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो बच्चों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा यानी 20% करेक्ट है। अब आते हैं